हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम लोग सेशन सेवन करने वाले हैं चैप्टर फ़ाइव शुरू हो रहा है आज अभी तक हम लोग चैप्टर फ़ोर तक कर चुके हैं और सेशन सिक्स तक हो चुका है तो अब जो है सेशन जो सेशन सेवन है चैप्टर फ़ाइव है इसमें वेरियस प्रैक्टिसनर के बारे में बात करनी है तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या इज़ ए स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर अगर कोई व्यक्ति है ह्यूमन बिहेवियर का जो स्टूडेंट है उसको क्या बोलेंगे फॉलोज द टेक्निक डिवाइज बाई सिगमेंट फ्रॉयड सिगमेंट फ्रॉइड कौन थे भाई बताओ साइकोलॉजिस्ट थे क्या किया था फ्रॉड ने फ्रॉड वाला फ्रॉड का एक्सपीरियंट कुत्ता था कुत्ते को घंटी बजा के बुलाते थे यही थे वो आदमी जो स्ट्रेटन स्ट्रेटन करता है ट्री टीथ को पता ही है स्ट्रेटन अभी स्पाइन वाला था और जो आँख विजन वी, को मेजर करता है जो लेंसेज ग्राइंड करता है पता ही है ऑप्टिशियन है भाई ऑप्टिशियन है ऑप्थेलोलॉजिस्ट है ये सॉरी ऑप्थेलोमेट्र है ये आ, मेजर कर रहा है ना दांत को ऑर्थो सीधा करना डेंटिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट ट्रीट्स माइनर एलिमेंट्स ऑफ फीट जो पैर के माइनर एलिमेंट को ठीक करेगा पीडिया पता था पैर के लिए एनालाइज हैंड राइटिंग हैंड राइटिंग को जो जो एनालाइज करता है ग्राफ ग्राफिया राइटिंग है डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एजिंग जेरेंटोलॉजिस्ट अभी पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर में जेरेंटोलॉजिस्ट है यूज मैनिपुलेशन एंड मसाज एज क्यूरेटिव टेक्निक्स कौन है ये कायरो होगा चलो आगे देखते हैं कायरोप्रैक्टर चलो अब ये सब पढ़ना है हमको सेशन सेवन शुरू होता है यहाँ से जो ग्री आ, ये सब पढ़ लेना यार देखो ग्रीक फ़िलासफी ये सब इंट्रोडक्शन है क्या क्या इसमें है ठीक है आगे चलें इसको वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा आइडिया क्या है बिहेवियर By एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दिस प्रैक्टिशनर इज एन एक्सपर्ट इन डार्क मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है कौन सी जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ना सिग्नल सिगमन फ्रॉइड का उसने क्या किया था बिहेवियरिज्म का आदमी था वो क्या किया था वो एक बिहेवियर को एक स्टिमुलस के साथ में अटैच कर दिया था एस ओ आर मॉडल स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स क्या रिस्पॉन्स करेगा ठीक है एक घंटी बजाया ऑर्गेनिज्म कुत्ता था रिस्पॉन्स क्या था स्लाई वास्क कर रहा था तो उस कुत्ते को तो इस तरह से अभी हम सब जो है इस तरह से अलाइंड है कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं मार्केट में जाते हैं और तुरंत उस सामान को ख़रीद लेते हैं ये क्या है हम सब उस चीज़ में बंध चुके हैं इस चीज़ से हमें निकलने की जरूरत है मार्केटिज्म कंज्यूमरिज्म से हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है तो ये जो साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं इनको कंपनीज जानती है तो इस डार्क मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जो ट्रेनिंग करता है एजुकेशन करता है प्रैक्टिशनर होता है उसको वो क्या करता है व्हाट मेक्स पीपल एक्ट वो क्या क्या पता करता है किस वजह से पीपल किस तरह का एक्शन करते हैं क्यों करते हैं ठीक है और वो uh, किस तरह की उनके व्हाई दे हैव सर्टेन फीलिंग्स उन्हें इस तरह की फीलिंग्स क्यों होती है हाउ देयर पर्सनैलिटीज़ वर फॉर्म इन शॉर्ट एंड व्हाट मेक्स दम टिक ठीक है क्या किसकी वजह से वो uh, उनकी पर्सनैलिटी फॉर्म होती है और किसकी वजह से वो अपने uh, किसी एक्शन को करते हैं ठीक है सच अ प्रोफेशनल इज़ ऑफन इम्प्लॉयड बाई इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री स्कूल इंस्टीट्यूशन टू डिवाइस मीनस फॉर कीपिंग वर्कर्स प्रोडक्टिव एंड हैप्पी अब इंडस्ट्रीज में क्या होता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, स्कूल्स में क्या होता है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं सेम काम काउंसलिंग कराते हैं या इंस्टीट्यूशनस हैं वहाँ पर आप uh, वो रख सकते हो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रख सकते हो तो ये करते क्या है ये आपको आपके, है, आपके है, वर्कर्स हैं आपके इस्टूडेंट्स हैं वो प्रोडक्टिव रहें और खुश रहें और वो जो इन्वायरमेंट है उसमें वेल well एडजस्टेड रहे स्टूडेंट्स वेल एडजस्टेड इन्वामेंट में वेल well एडजस्टेड रहे और इनमेट इनमेट्स कंटेंटेंट जो मतलब इनमेट्स हैं उनको जैसे मान लेते हैं कि इनमेट कहाँ होंगे प्रिजन में होंगे और कहाँ होंगे पागलखाने में होंगे पागलखाने असाइलम में वहाँ पे आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रखोगे देखो तीनों जगह तीन अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट है यहाँ पे क्लिनिकल साइकॉलॉजिस्ट अरे यहाँ पे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है इंस्टीट्यूशन में इंस्टीट्यूशन uh, में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है विद ए स्टेट लाइसेंस दिस पर्सन में ऑल्सो डू प्राइवेट और ग्रुप थेरेपी प्राइवेट और ग्रुप थेरेपी भी कर सकता है अगर उसको लाइसेंस मिला है ये कौन है एक साइकोलॉजिस्ट है आगे चलो नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज साइको एनालिस्ट वरीज फियर कॉन्फ्लिक्ट this practitioner is a physician psychiatrist psychologist who has been especially trained in techniques devised by sigmund freud encouraging you to delve into the part of your mind called the unconscious by reviewing the experiences traumas feelings and thoughts of your earlier years you come

ये एक आदमी होगा जो फिजिशियन होगा साइकियाट्रिस्ट होगा साइकोलॉजिस्ट होगा जिसने ट्रेन किया हुआ है सिगमट फ्रॉयड के दिए हुए चीज़ों में इसको साइको एनालिस्ट कहते हैं ये क्या करता है ये एनालाइज करता है आपके अनकॉन्सियस ब्रेन को बेसिकली फ्रॉयड ये कहते हैं देखो भाई दो ब्रेन है आपके पास मतलब ब्रेन एक ही है उसके दो पार्ट है एक कॉन्सियस पार्ट है कॉन्सियस पार्ट है और एक अनकॉन्सियस पार्ट है ये 95 परसेंट है मतलब मेजॉरिटी ऑफ एक्शंस जो हम करते हैं उसके लिए हमारा अनकॉन्सियस जो है ब्रेन वो रिस्पॉन्सिबल uh, होता है ओनली 5 परसेंट ऑफ द डिसीजंस वी मेक ये जो होता है इसके लिए कॉन्शियस ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है तो ये आपके अनकॉन्सियस अब अनकॉन्शियस को हर आदमी तो एनालाइज कर नहीं सकता है तो वो कह रहा है कि जो आपके 95 परसेंट यानी अनकॉन्सियस ब्रेन को एनालाइज़ uh, करेगा आपके फीलिंग्स और थॉट्स को देखेगा और बेटर under, अंडरस्टैंडिंग रखेगा उसकी और पता करेगा कि आपको कोई को, कोई वरी हो रही है तो क्यों हो रहा है आप किसी चीज़ से डर रहे तो क्यों डर रहे कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो क्यों हो रहा है और कोई अगर रिप्रेशन है आपका कोई दबी हुई भावना या कोई इनसिक्योरिटी है या कोई नर्वस टेंशन है आपको तो वो क्यों हो रहा है दस टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इन कोपिंग विद डम और अगर वो पता कर लेता है ऐसा तो वो उसको स्टेप्स लेगा ताकि उससे वो ठीक हो सके वो पर्सन जो सफ़र कर रहा है जैसे किसी को बिल्लियों से बहुत डर लगता तो बचपन में हो सकता है उसको मम्मी ने कहानी सुनाई हो कि बेटा अब बिल्लियाँ बहुत खतरनाक होती हैं तो मैं मार देती हैं अब उसके दिमाग में डर बैठ गया बड़े होने पे भी डर नहीं निकल रहा है तो वो उस चीज़ को निकालेगा ट्रीटमेंट कंसिस्टिंग लार्जली इन लिसनिंग टू पहले क्या करेगा वो पेशेंट को सुनेगा काउंसलिंग सेशन रखेगा पेशेंट आएगा उसकी बात सुनेगा कि क्या बात है क्यों उसे डर लग रहा है और फिर उसको उसका जो थाट्स है उसकी जो फ्री फ्लोइंग आइडियाज है उनको एनालाइज करेगा और जो है काफ़ी समय तक एनालाइज करेगा और फिर उससे पता चलेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है और वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी साइको एनालिस्ट है वो साइको एनालिस्ट स्पेशली सिगमंड फ्रॉयड और साइको जो साइकोलॉजिस्ट है ये क्या है ये लगभग सभी तरह के ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ेगा ठीक है आगे चलो टीथ दिस प्रैक्टिशनर इज अ डेंटिस्ट और डेंटिस्ट है टेकन पोस्ट ग्रेजुएट वर्क इन स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ पीजी किया ऑर्थोडिस्ट है यह आईज दिस प्रैक्टिशनर मेजर्स योर विजन देखो अभी पता था और तो ऑप्टोमेट्रिस्ट optome, मीटर uh, आ गया मतलब मेजर measure करेगा मेजर्स योर विजन एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ ग्लासेस दैट यू विल गिव ट विल गिव यू अव एंड मोर एक्यूरेट व्यू ऑफ द वर्ल्ड ठीक है uh, आपको ज़्यादा अच्छे से वर्ल्ड दिखाई दे आपकी आँख में कुछ प्रॉब्लम हो गया है मेजर करेगा कि इतनी आपकी आँख में प्रॉब्लम है माइनस इतना है या प्लस इतना प्र, 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 पावर है आपको और उसको ठीक करके देगा और किसको देगा ये बनाने के लिए ऑप्टिशियन को देगा ऑप्टिशियन उस मेजरमेंट के हिसाब से क्या करेगा लेंसेज ग्राइंड करेगा टू द स्पेसिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाई ऑप्टोमेट्रिस्ट ठीक है या ऑप्थेलमोलॉजिस्ट ऑप्थेलमोलॉजिस्ट क्या है एक सर्जन है आई डॉक्टर है स्पेशलिस्ट है एंड मे ऑल्सो डील इन अदर काइंड ऑफ ऑप्टिकल गुड्स ऑप्टिकल गुड्स में भी और भी डील कर सकता है जैसे लेंसेस बनाएगा और आपके चश्मे बनाएगा और भी चीजें बोन्स एंड ब्लड वेसल्स दिस प्रैक्टिशनर इज अम्बर ऑफ प्रोफेशन दैट और इन 1874 व्हेन एंड्रीड टी स्टिल डिवाइज ड्रगलेस टेक्निक वाई मसाज एंड अदर मैन्युलेटिव प्रोसीजर अलग अलग मसाज करके ये क्या है कि मसाज करके एंड्रेटी स्टिल ने एक प्रोसीजर निकाला जैसे मसाज करके या अदर मैनिपुलेटिव मतलब किसी चीज़ को अपना दिमाग बदल करके या उस प्रोसीजर को बदल बदल के जिससे आपको लगता है कि आपकी इलनेस दूर हो जाएगी और उसको यूज़ करके वो आपको बॉडी को ठीक करता है बेसिकली मसाज एक वर्ड में प्रेशर कह रहा है कि देखो मसल्स और नर्व में देखो प्रेशर आ जाता है जिसकी वजह से दिमाग वहाँ काम करना बंद कर देता है बॉडी में अलग अलग प्रॉब्लम्स आ जाती है तो हम उस प्रेशर को रिलीज करेंगे और आपको ठीक कर देंगे ये कौन था ये किस तरह का आदमी होगा ये ऑस्टियोपैथ होगा ओके ट्रेनिंग इज इक्वल टू द फिजिशियंस एंड मोस्ट स्टेट्स दिस प्रैक्टिशनर्स मेंल्सो यूज सेम मेथड एज एंड है फुल राइट्स एंड प्रिवेलेज ऑफ ए मेडिकल डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर जैसा इसके पास प्रिवेलेज नई किताब में ये वाला पैराग्राफ नहीं है ठीक है आगे चलो फालतू लिखा हुआ है कोई मतलब नहीं है जॉइंट्स एंड आर्टिकुलेशंस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रैक्टिशनर वर्कस इन मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग मोस्ट ऑफ द आर्टिकुलेशन ऑफ बॉडी स्पेशली दो कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉलम लाइसेंस्ड एंड लीगली रिकोगनाइज इन फोर्टी फाइव स्टेट दिस प्रोफेशन हैज़ एकेडमिक स्टडीज एंड ट्रेनिंग दैट पैरल मेजर हीलिंग प्रोसेस ये काइरोक्टर है आप इसको जानते हैं ये क्या है ये क्या करता है नर्वस सिस्टम को ट्रीट करने के लिए स्ट्रक्चरल फंक्शनल इंटीग्रिटी को समझता है और उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है ये भी मैनिपुलेटिंग काम करता है उसको ठीक करने के लिए और क्या करता है स्पाइनल कॉलम से रिलेटेड टचड uh, जो भी वेसल्स uh, हैं उसको क्या करता है उसको वो ट्रीट करने की कोशिश करता है और अपने हाथों से उसको ठीक करेगा मसाज करेगा दैट इज क्वायरो पोडियाट्रिस्ट पोडिया आ गया वर्ड नए किताब में ऐसा नहीं है चलो देख लो आ, फुट एलिमेंट्स कॉन्स कल्यूजेज बनियंस फॉल इन आर्चिस इन सबको ठीक करे, करेगा और माइनर सर्जरी भी ये कर सकता है दैट इज़ पोडियाट्रिस्ट पोडिया पैर एट्रेस्ट एक्सपर्ट राइटिंग ग्रेफोलॉजिस्ट दिस प्रैक्टिशनर एनालाइजिज हैंड राइटिंग टू डिटरमाइन कैरेक्टर पर्सनैलिटी एप्टीट्यूड ठीक है ये सब करेगा टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी ऑफ सिग्नेचर्स रिटर्न डॉक्यूमेंट्स ये क्या है ग्रेफोलॉजी ग्राफिया मतलब राइटिंग लॉजिस्ट साइंस गेटिंग ओल्ड जेरियंटोलॉजिस्ट जो द सोशल साइंटिस्ट सोशल साइंस मतलब सोशलिस्ट है बेसिकली डील्स विद द फाइनेंशियल इकोनॉमिक सेक्शुअल सोशल रिटायरमेंट एंड अदर नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डरली एल्डरली मतलब बुढ़े लोगों के साथ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उनको वो ठीक करने की कोशिश करेगा ठीक है आगे चलो अब क्वेश्चन शुरू हो गए साइकोलॉजिस्ट ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम साइको एनॉलिसिस्ट ये भी ब्रेन रिलेटेड पर सिगमेट फ्रॉयड द्वारा प्रोवाइडेड जो थ्योरी है उन पर काम करेगा ये अभी धीरे धीरे खत्म हो चुका है कोई नहीं इस्तेमाल करता है अनकॉन्शियस की बात है ऑर्थोडोंटिस्ट दांत को ठीक करेगा ऑप्टोमेट्रिस्ट आँख को मेजर करेगा क्या प्रॉब्लम है कितने दूर का है ऑप्टिशियन ग्लासेस बनाएगा ऑस्टियोपैथ सर, जो सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी में उसको ठीक करेगा uh, मतलब कभी कभी लगता है उसको कि नहीं ब्लड वेसल में स्ट्रेस आ गया है और उसको रिलीज करने से वो ठीक हो जाएगा कायरोपेक्टर सेम काम करेगा हाथों से मसाज देगा मसाज ऑस्टियोपैथ भी देगा फोडियाट्रिस्ट पैरों के एलिमेंट्स को ठीक करेगा पैर में कुछ प्रॉब्लम है और माइनर सर्जरी भी परफॉर्म कर सकता है ग्राफोलॉजिस्ट आपकी राइटिंग एनालाइज करेगा और आपकी पर्सनैलिटी बताने की कोशिश करेगा और भी कुछ ग्राफोलॉजिस्ट का इस्तेमाल किया सीबीआई और एफ भी करती है अगर कहीं पे राइटिंग मिल गई आपकी चोर की पर्सनैलिटी पता करने के लिए किस तरह का आदमी है आजकल तो एक ग्राफोलॉजिस्ट इंटरव्यूज़ में भी इस्तेमाल हो रहा है जेनटोलॉजिस्ट बड़े लोगों का इलाज करेगा आगे चलो क्वेश्चन मिला भाई यहाँ पर मैं अगली बार से नई किताब का फ़ोटो निकाल के पी बना के फिर पढ़ाऊँगा पुरानी किताब में बहुत कुछ अजीब है ऐसा नहीं गलत है और अजीब है साइकोलॉजिस्ट मिलाओ भाई इसको यहाँ पे वीडियो पॉज करो इसको मिला लो कॉपी में और फिर आंसर चेक कर लो कितना सही हुआ आगे चलो ये वाला करने में मजा आती है अ साइकोलॉजिस्ट मस्ट ऑल्सो बी अ फिजिशियन ऐसा ज़रूरी नहीं है मस्ट ऑल्सो बी फिजिशियन ऑल्सो है साइको अनलिसिस फॉलोज बिल्कुल सही है आर्थोडोंटिस स्पेशलाइज स्टिंग बिल्कुल सही है ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब्स एंड फिट्स ग्लासेस ऑप्टोमेट्रिस्ट हाँ सही है एंड ऑप्टिशियन में प्रिस्क्राइब नहीं गलत है ऑस्टियोपैथ में यूज मसाज हाँ बिल्कुल सही है कायरोप्रैक्टर मेडिकल डिग्री होती है नहीं ऐसा तो नहीं है हमें तो नहीं लगता कि कायरोप्रेक्टर की मेडिकल डिग्री होती है और ये क्या है अब पोडियाट्रिस्ट में परफॉर्म मेजर सर्जरी पोडियाट्रिस्ट मेजर नहीं कर सकता है रे ये गलत है ग्रेफोलॉजिस्ट एनलाइस करेक्टर फ्रॉम हाँ बिल्कुल अभी बताया मैंने जेरेंटोलॉजि नॉन मेडिकल एडलोसेंट नहीं एडलोसेंट नहीं है जेरेंटो मतलब ओल्ड यहाँ एडलोस की जगह पर अगर ओल्ड होता तो मजे ही आ जाता आगे चलो डेल्स इंटू अनकॉन्सियस अनकॉन्सियस की बात आ गई फ्रॉड भैया आ गए साइको एनालिस्ट यूज इधर मसाज एंड मैनिपुलेशन और अदर स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोसीजर टू ट्रीट इंडनेस बताओ भाई ऑस्टीओ आगे लगा लो टेक्स केयर ऑफ माइनर एलिमेंट्स ऑफ फीट अभी पता है पोडिया लगाए थे पोड्रिशियन लगा लो कुछ भी पेडियाट्रिक्स कुछ भी लगा लो तुम्हें समझ में आ रहा हूँ जो पोडिया स्ट्रेटन टीथ अभी बता के आए हैं जो दांत को ठीक करेगा डोंट ऑस्टियो और अरे सॉरी ऑर्थो ऑर्थोडोंटिस्ट कर लो हैंड राइटिंग को जो एनालाइज करेगा कौन है भाई ग्राफोलॉजिस्ट है ये ग्राइंड लेंसेज सेल ऑप्टिकल गुड ऑप्टिकल गुड बेचता है और लेंसेज को ग्राइंड करता है मिट्रिशियन है ये नहीं ये ये ऑप्टिशियन है ये सिर्फ ऑप्टिशियन ऑप्टिशियन है ये डील्स विद नॉन मेडिकल प्रॉब्लम जेरेंटोलॉजिस्ट है मैनिकुलेशन कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉलम स्पाइनल्टर है स्टडीज एंड एंड एक्सप्रिय बिह, बिह, ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट है विजन को मेजर करेगा और क्लासेस प्रस्क्राइब करेगा ऑस्टियोमेट्रिस्ट है ऑप्टोमेट्रिस्ट है अरे बड़ा छोटा था सेशन सेवन ख़त्म हुआ अब हम लोग अगले लेक्चर में सेशन एट करेंगे थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में